नमस्कार, वेब वार्ता में आपका स्वागत है। भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में खटास बढ़ गई है। पहले वार्ता रद्द हुई, अब पाकिस्तान भारत को धमकी दे रहा है। आज की वेब वार्ता भी हमारी भारत पाक संबंधों पर केंद्रित है। हमारे साथ हैं वेब दुनिया के संपादक जयदीप कर्णिक। पाकिस्तान की हरकतों को देखते हुए क्या ऐसा नहीं लगता कि उसके साथ राजनयिक संबंध तोड़ लेना चाहिए? इस बात पर लगातार बहस होती है, क्योंकि कई लोग ये मानते हैं कि बातचीत के बिना इस समस्या का हल नहीं है, बातचीत करने से मतलब कुछ निकलता नहीं है, पाकिस्तान अपना जो राग है वो छोड़ता नहीं है। पाकिस्तान की मजबूरी ये है कि असल में वहां पर लोकतंत्र केवल नाम के लिए जिंदा है। पाकिस्तान में दिखने को चुनाव होते हैं, पाकिस्तान में दिखने को प्रधानमंत्री चुना जाता है, लेकिन दरअसल पूरा शासन तो है दो ही लोग चलाते हैं, एक तो सेना और दूसरा आतंकवादी। अब सेना और आतंकवादी मिलकर कभी भी ये स्थिति नहीं चाहेंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में बातचीत हो और बातचीत नतीजे तक पहुंच जाए, क्योंकि बातचीत अगर नतीजे तक पहुंच जाएगी तो जो सारा असला बारूद और पैसा इनको लगातार विदेशों से मिल रहा है भारत से लड़ाई के नाम पर, वो बंद हो जाएगा। तो इनकी दुकानें अगर बंद हो जाएगी तो वो कैसे चलने देंगे? वो जब वहां के प्रधानमंत्री को चैन से नहीं बैठने देते तो भारत के भीतर तो बेचैनी कायम रखने की कोशिश करेंगे। अब ये तो कोई दृढ़ इच्छा शक्ति वाला राजनीतिज्ञ अगर पाकिस्तान में आ जाए जो सबसे पहले तो इनको काबू में करे। बस दरअसल मुझे लगता है पाकिस्तान की तरफ से भारत से बातचीत या भारत के साथ अच्छे संबंध मसला है ही नहीं। मसला तो यह है कि वो कैसे अपने भीतर पनप रहे आतंकवादियों को, उन आतंकवादियों को जो रावलपिंडी के एक स्कूल में जाके निरीह मासूम बच्चों को गोलियों से भून देते हैं, उनको खुद वो कब्जे में नहीं कर पा रहे, उनके यहाँ मस्जिदों में लगातार ब्लास्ट हो रहे हैं, उनके यहाँ शिया सुन्नी के झगड़े इतने खतरनाक स्तर तक पहुंच चुके हैं कि उनसे निपटना मुश्किल है, बसों से उतरकर मुसलमान खुद मुसलमान को मार रहा है। पाकिस्तान अपने भीतर इतना अस्थिर है कि वो उससे निपट नहीं पाता, इसलिए वो अपने भीतर की अस्थिरता को, बेचैनी को, विकास की राह पर न चल पाने की पीड़ा को छुपाने के लिए लगातार भारत के साथ विरोध वाली बातचीत करता है। मुझे लगता है कि पहले तो भारत पाकिस्तान को एक ऐसा सक्षम राजनीतिक नेतृत्व चाहिए जो उनके यहाँ पर सिर उठाने वाली ताकतों को काबू में कर सके। जिस दिन ये ताकतें काबू में आ जाएंगी, जिस दिन ISI के लोग मनमानी करना छोड़ देंगे, जिस दिन पाकिस्तान की सेना सचमुच वहाँ की सरकार के अधीन हो जाएगी, जिस दिन वहाँ की सरकार वहां के भीतर के आतंकवादियों पर काबू पाना सीख लेगी, मुझे लगता है बातचीत की राह वहां से निकल पाएगी। अमेरिका में पाकिस्तान के राजदूत रहे हुसैन हक्कानी ने भी स्वीकार किया है कि कश्मीर पर पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय समर्थन नहीं है, पर फिर भी पाकिस्तान मान नहीं रहा है, तो गड़बड़ी कहाँ है? देख, गड़बड़ी तो पाकिस्तान के दिमाग में और कहाँ है, गड़बड़ी तो उन आतंकवादियों के पास है जो पैसे और बारूद के बल पर इस खेल को जिंदा रखना चाहते हैं। कहीं से कहीं तक भारत की उस धरती के हिस्से पर पाकिस्तान का कोई अधिकार नहीं है। बंटवारा जब हुआ था तो बिल्कुल सीधा स्पष्ट बंटवारा हुआ था, ये तो पाकिस्तान ने कबाइलियों के नाम पे अपने सैनिक भेजे थे, ये पाकिस्तान आज से नहीं कर रहा। 1947 में हमने कबाइलियों के आक्रमण को सहा जो कि एक खुले तौर पे आतंकवादी आक्रमण था और उसमें पाकिस्तान की सेना शामिल थी, और उन्होंने मिलकर जो ये खेल खेला और उसमें जो कश्मीर था, बल्कि हमारे हिस्से का कश्मीर उनके कब्जे में चला गया, उसकी ये भारतीय सरकार की भी यहाँ गलती है। इस पूरे मुद्दे को हम ठीक तरीके से प्रस्तुत ही नहीं कर पाते। हमें लगातार ये बात करनी चाहिए कि हमारे कश्मीर का जो हिस्सा जो आपने उस कबाइली आक्रमण के दौरान अपने कब्जे में रख लिया था उसको वापस कर दो, यहाँ वाला मांगने का आपके पास अधिकार कहाँ है? ये कैसे आपका हो गया? आप किस तरीके से इस बात मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय समर्थन को कैसे मिलेगा इस मुद्दे पर? हमारे सेना प्रमुख ने भी हाल ही में कहा है कि सेना को छोटे छोटे युद्धों के लिए तैयार रहना चाहिए। अब वहां के सैन्य प्रमुख कह रहे हैं कि हम ऐसा युद्ध लड़ेंगे जो आपको दशकों तक याद रहे, तो मुझे लगता है पाकिस्तान की कुव्वत ही नहीं है कि वो ऐसा लंबा युद्ध एक बार की लड़ सके। न सैन्य क्षमता है, न इच्छा शक्ति है, न सामर्थ्य है। तो इसलिए मुझे लगता है कि भारत में जो रक्षा विशेषज्ञ बात कह रहे हैं उनकी बात में इसलिए दम है कि जब वो पूरी तरह से पूरी ताकत के साथ नहीं लड़ पाएंगे तो हमें ऐसे छोटे छोटे युद्ध, लगातार उन्होंने सीमा पर युद्ध विराम का उल्लंघन किया है, लगातार गोलीबारी की है, ये युद्ध नहीं तो और क्या है? जब आप युद्ध विराम का उल्लंघन करके गोलीबारी करते हैं और खासतौर पर ऐसी गोलीबारी करते हैं जो हमारे नागरिक क्षेत्रों को नुकसान पहुंचाती है, जब हम 1965 की अपनी जीत का जश्न मना रहे थे, उसके 50 साल पूरे होने के लिए हमारे सैनिकों को बधाई दे रहे थे, तब वहां से लगातार गोलीबारी हुई है, ये उनकी खुन्नस है, ये उनकी पीड़ा है, ये उनके दिल का छुपा हुआ गुबार है जो गोली और बारूद के रूप में निकल रहा है, पर ये भी एक तरह का युद्ध है। और मुझे लगता है कि इस तरह से युद्ध के बचने का कोई सीधा रास्ता नहीं है, तो उसके लिए हम तैयार रहते हैं। और ऐसी बात रक्षा विशेषज्ञ कहते हैं तो मुझे लगता है वो ठीक कहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा, इस तरह से गोलीबारी करके हमारे सीमावर्ती क्षेत्रों को अशांत बनाएगा। एक बात जो पूर्णतया सत्य साबित हो चुकी है, जिसकी लगातार तस्दीक हुई है, वो ये है कि इस तरह की गोलाबारी और इस तरह के छोटे युद्धों का मकसद दरअसल वहां से आतंकवादियों को यहां भेजना होता है, उनको प्रोटेक्टिव कवरिंग दी जाती है इस तरह की गोलीबारी के जरिए। तो मुझे लगता है इस तरह के छोटे युद्ध फिलहाल भारत और पाकिस्तान दोनों की तरफ से नियति है, और इस नियति को
सबसे ज्यादा यदि भुगतने के लिए मजबूर कोई है तो वो भारत है, जो कि चाहता नहीं कि युद्ध हो, जो कि चाहता नहीं कि अपनी सैन्य शक्ति में, अपने गोला बारूद में अपना पैसा लगाए। हम चाहते हैं कि हम विकास की राह पर बढ़े, हम चाहते हैं कि अपने देश में अपनी सरहदों के भीतर बेहतर वातावरण बनाए। हम भी चाहेंगे कि हमारा कोई सैनिक, कोई नागरिक हताहत ना हो, लेकिन अगर कोई दूसरा देश जबरदस्ती हमारे ऊपर इस तरह का आक्रमण करेगा तो हमें अपना पुरुषार्थ हर बार की तरह दिखाना पड़ेगा। यदि 2016 में नरेंद्र मोदी पाकिस्तान की यात्रा कर सकते तो क्या उन्हें पाकिस्तान जाना चाहिए? ये अभी कहना या तय कर पाना बहुत मुझे लगता है कि मुनासिब नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से NSS स्तर की बातचीत टूटी है उस तरीके से प्रधानमंत्री स्तर की बातचीत हो पाएगी, अगर हो पाएगी तो कितनी सफल हो पाएगी, इसके बारे में अभी से कयास लगाना मुश्किल है। हालांकि मैं ये कहूँगा कि अगर नवाज शरीफ के दिल में भी इस मसले को हल करने का, भारत और पाकिस्तान की सरहदों पर शांति कायम करने का कहीं से कहीं तक कोई दिल में इच्छा है उनके, वो चाहते हैं कि इस तरह हो, तो फिर इस बातचीत को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। उन दोनों के बीच में शुरुआत में अच्छी बातचीत हुई है, वो नरेंद्र मोदी जी के शपथ समारोह में आए हैं, शॉल और अन्य भेंट का आदान प्रदान हुआ है, और उस हल्के और अच्छे माहौल को अगर इस बातचीत के जरिए बढ़ाया जा सके तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन कूटनीतिक स्तर पर हम देखते हैं कि ऐसी बातचीत का सफल होना या ऐसा दौरा हो भी पाएगा या नहीं, इस बारे में कयास लगाना मुश्किल है, क्योंकि बातचीत के करीब आते आते पाकिस्तान के अलगाववादी और आतंकवादी और ISI की ताकतें कुछ इस तरह की हरकतें करने लगती हैं कि वो बातचीत चाहकर भी नहीं हो पाती। मुझे लगता है ये ताकतें फिर से कोशिश करेंगी जब प्रधानमंत्री का दौरा नज़दीक आएगा तब, कि ये बातचीत न हो पाए। हम तो दुआ ये करेंगे कि ऐसी बातचीत हो, और अगर ऐसी बातचीत से ही सरहद पर अमन कायम हो सकता हो तो हो जाए। धन्यवाद जयदीप जी, हम चर्चा कर रहे थे भारत पाक संबंधों की। अगली बार फिर किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।